जय माता दी भक्तों, मैं हूं पंडित प्रकाश जोशी और स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे कि हाथों के माध्यम से आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, आपकी जो मैरिज होगी वो कब होगी, और मैरिज के बारे में कि मैरिज आपकी दूर होगी या पास होगी, और किस अक्षर के आदमी से आपकी मैरिज होगी, इसके बारे में पूरी वीडियो होगी। वीडियो ध्यान से देखना, वीडियो थोड़ी हो सकता है लंबी हो जाए। और चलिए वीडियो में बात करते हैं कि किस तरह से आप हाथ के द्वारा देख सकते हैं। पहली चीज़ जो देखना है आपको, जो मैं समझाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, पहला तो जो पुरुष इस वीडियो को देखेंगे वो अपना राइट हैंड देखेंगे, और जो स्त्रियाँ अपने हाथ में कैलकुलेट करेंगी वो लेफ्ट हैंड से कैलकुलेट करेंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको हाथ के अंदर ये पता करना है कि आपकी मैरिज कैसी होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, और साथ ही साथ कि आपकी मैरिज दूर होगी या पास होगी, तो सबसे पहली चीज़ आपको हाथ के अंदर शुक्र पर्वत को जानना पड़ेगा। शुक्र पर्वत जो है, जो हमारा अंगूठा होता है उसके नीचे का जो पर्वत होता है, ये जो पोषण होता है ये शुक्र पर्वत होता है। अब क्या है कि अगर आपकी जीवन रेखा की दो स्थितियां होती है, पहली क्या होती है, जो हमारी जीवन रेखा होती है वो लोप लेके आती है, ऐसे लोप लेके आती है, और दूसरी स्थिति क्या होती है जीवन रेखा की, दूसरी जीवन रेखा ऐसे करके सीधी आ जाती है, ऐसे करके। ऐसे में क्या होता है, जो हमारा ये जो पर्वत का जो पोस्चर होता है वो एक तो कम होता है, जिसको हम डाउन कहते हैं, इसे हम कहते हैं डाउन। और ये जब हमारे हाथ के अंदर ये लोप लेके आती है तो इसको हम अप कहते हैं। दो सिचुएशन होती है। यदि आपकी आपकी जो जीवन रेखा है, आपका शुक्र पर्वत अगर डाउन है, वो लोप लेके कम लेके आ रही है, या आपका पर्वत कमज़ोर है, तो ऐसे में आपकी जो शादी होगी वो दूर होगी। पहला याद रखिएगा, आपकी शादी के संभावनाएं दूर होगी, लड़की दूर की होगी या लड़का दूर का होगा, याद रखिएगा। दूर का मतलब आप विदेश चले जाएंगे शादी के बाद, या शादी आपकी दूर होगी, और आपकी शादी दक्षिण या पश्चिम में होगी, याद रखिएगा, या तो दक्षिण में होगी या पश्चिम दिशा के अंदर होगी, याद रखिएगा। एक तो ये दिशा हो गई। तीसरी चीज़, अगर आपका यही पर्वत डाउन है तो आपकी जो शादी होगी या तो सी या डी या ई या जी, एच, के, एल, एन और टी अक्षर, इनमें से किसी भी नाम का अक्षर प्रारंभ लेटर होगा, उनसे आपकी मैरिज होगी। अब बात कर लेते हैं, यदि आपका आपका पर्वत शुक्र पर्वत अप है, यानी कि मजबूत है, उठा हुआ है, यहाँ पर शुक्र पर्वत होता है, जैसे मेरे हाथ में देख रहे हैं ये उठा हुआ है, अगर आपका भी शुक्र पर्वत देख ऐसे करके काउंट करते हैं तो ये शुक्र पर्वत उठा हुआ है। इसी प्रकार से आपका अगर शुक्र पर्वत उठा हुआ है, तो शुक्र पर्वत उठा होगा तो आपकी शादी पास होगी, बहुत पास होगी, हो सकता है आपके घर के बगल में ही हो जाए, या आपके आप जैसे आप दिल्ली में रहते हैं तो आपका आपकी शादी हो सकता है कि दिल्ली के अंदर ही, NCR के अंदर ही हो जाए, या 25 किलोमीटर के अंदर अंदर शादी होती है जिनका शुक्र पर्वत अप होता है। दूसरी चीज़, आपका आपकी शादी उत्तर दिशा की ओर होगी या पूर्व दिशा की ओर होगी, या तो आप जो शादी होगी वो उत्तर दिशा में होगी या आपके घर से पूर्व दिशा में होगी, और आपके जो लेटर हैं वो लेटर होंगे जिन जिन पुरुष या स्त्रियों से होंगे उनके प्रारंभिक लेटर होंगे AS MBBDRUV, ये अक्षर होंगे। अधिकतर यही अक्षर पाए जाते हैं जिनके पर्वत उठे होते हैं, उनका जो वर का जो प्रारंभिक अक्षर होता है यही अक्षर होता है, यही कैलकुलेशन है। इस तरह से आप जान सकते हैं। अब दूसरी चीज़, आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। देखिए, जिनका शुक्र पर्वत उठा हुआ होता है तो लव तो उनका होता है, लेकिन लव मैरिज के चांसेस कम होते हैं। जिनका शुक्र पर्वत डाउन होता है उनके लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, याद रखिएगा। और कुंडली के अनुसार ये भी आप हाथ देख के पता कर सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। जैसे कि आपका शुक्र पर्वत उठा है, तो आपका शुक्र पर्वत उठा होगा तो आपका शनि पर्वत भी उठा ही होगा, ये ऑटोमेटिकली होता है। उसी प्रकार से अगर आपका शुक्र पर्वत डाउन है तो आपका शनि पर्वत भी डाउन होगा, और शनि पर्वत डाउन होने से लव मैरिजें होती है, और शनि पर्वत ऊंचा होगा तो यानी कि आपके जीवन में आपके माता पिता का प्रभाव जाता है, तो आपकी लव मैरिज नहीं हो पाएगी, ये याद रखिएगा। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि शुक्र पर्वत से किस तरह से विवाह रेखा के बारे में जाना जाता है, किस दिशा में आपकी शादी होगी, किस लेटर में आपकी शादी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको ये ज्ञान नया लिखा मिला है और बिल्कुल एक्यूरेट मिला है, तो आप कमेंट में जाके आप लिखिएगा कि गुरुजी हमारा सटीक हुआ है, गुरुजी हमारा बिल्कुल सटीक हुआ है, इस तरह से आप जानकारी दे सकते हैं। दूसरा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।